हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आपके साथ एक डिश शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मिक्सी का जार, और इसमें मैंने ये चावल है एक कटोरी, इसको धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसको डाल देंगे हम मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में इसको डालने के बाद हमारे पास ये दो तीन आलू हैं, छोटे छोटे आलू थे तो ये हमने काट लिए थे, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी डाल सकते हो, तो मैंने कच्चे आलू डाले हैं इसमें। और इसमें जो है थोड़ी सी दो हरी मिर्चें डाल देंगे हम कटी हुई, तो इसमें हमने चावल डाल दिए हैं कच्चे चावल, उनको हमने वॉश करके डाला है, हमने दो छोटे आलू काटे हैं, एक मिर्ची डाली है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके। तो दोस्तों हमने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है इसका, ये देखिए इस तरीके से, ना गाढ़ा ना पतला। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था, ये पीसने जब पिसता नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, और इस तरीके से स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या करना है दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने एक कांच का बाउल ले लिया है, और ये पेस्ट जो है हम इसमें डाल देंगे, ये सारा पेस्ट निकाल लेंगे हम इसमें, और ये पेस्ट हमने इसमें निकाल लिया है। तो दोस्तों अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये बंद गोभी को कद्दूकस कर लिया था और इसका इस तरीके से चूरा बना लिया था, ये देखिए हमने बंद गोभी को क्रश कर लिया था अच्छे से। इसको हम डाल देंगे इस पेस्ट के अंदर, और इसके साथ डाल देंगे हमने कटा हुआ बारीक प्याज, ये हमने दो बड़े प्याज काट लिए थे, और इसको हम सारा इसमें डाल लेंगे। और दोस्तों ये डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें काटी हैं, और ये जो धनिया है, धनिया के बिना इसका फ्लेवर ही नहीं आएगा, बहुत अच्छा वो आता है इसका फ्लेवर। और ये सारा हमने इसमें धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, ये हमने आधी कटोरी कॉर्नफ्लोर डाल दिए, और ये हमने आधी कटोरी इसमें बेसन मिक्स कर दिया है, इसमें डाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और इसमें नमक मिर्च डालेंगे। तो इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, ये हमने एक चम्मच नमक डाल दिया है इसमें, आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने इसमें जीरा मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाला है, और ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, ये हमने जीरा खड़ा जीरा डाल दिया इसमें। अब हम इसको मिला लेंगे, इस तरीके से हम इसको सारे को मिला लेंगे ऊपर नीचे करके, चावल के आटे के साथ हम इसका जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था उसके साथ इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं। तो हम अब इसको हाथ से मिला लेंगे, इसका एक डो बना लेंगे, तो अगर इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं। और पानी की जगह पे आप दही भी डाल सकते हैं इसमें, तो हमें एक अच्छा स्मूथ डो बनाएंगे इसका बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप पानी की जगह दही भी डाल सकते हो, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को मिलाएंगे, और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह आटे की तरह गूंथ लेना है, और इसका एक बढ़िया सा डो बना लिया हमने, इसका नमक मिर्च मसाला जो है सारा इसमें मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और ये हो गया डो तैयार। तो दोस्तों हमने कढ़ाई रख ली गैस के ऊपर, और गैस को हम ऑन कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, अब हम इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे, और तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। तेल गरम हो जाए इतना, तो दोस्तों तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हमारे पास जो ये डो बना हुआ है इसका क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और इसको डो को इस तरीके से पकड़ के हम इसके हम छोटे छोटे रोल बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम सारे रोल इसमें डाल देंगे, ये देखिए। तो हम सारे रोल ऐसे तैयार कर लेंगे,
इसको हम एक शेप दे देंगे, जिस तरह सिलेंडर होता है उस तरह की शेप दे देंगे इसको। तो ऐसे हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इनको इस तरीके से कर ले रहे हैं और इन दोनों हाथों में हमने तेल लगा रखा है, ऑयल लगा के, और इनको थोड़ा सा इस तरीके से बेल के और थोड़ा ऐसे इसको शेप दे के और इनको हम तेल में डाल दे रहे हैं। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इनको हम पलट लेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बन रही है। अब ये ब्राउन हो गए हैं और इसको हल्के आंच में बनाना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना तेल को। अगर हम एकदम तेज़ तेल में डालेंगे, गर्म तेल में, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से पक जाएंगे। इसलिए गैस को मैंने सिम करा है, एकदम तेज करके तेल को तेज कर लिया था गर्म, और उसके बाद सिम कर लिया गैस को, तो ये बिल्कुल आराम आराम से पकेंगे और ये अंदर तक इनकी अंदर तक पकेंगे। तो गाइस ये हम निकाल लेते हैं इनको, जैसे ये इस तरीके से निकाल लिए। ये हमने पहले डाल दिए थे तो ये हमने निकाल लिए। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे और ये बनाए हमने लंबाई में, अब हम बनाएंगे गोल में। दो तरह के बनाएंगे, तो देखिए गोल किस तरीके से बनेंगे। वही हमने तेल में हाथ में तेल लगा लिया है और इसको जो है बहुत छोटे छोटे रोल लेकर के इसको इस तरीके से, और इसको इस तरीके से चपटा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से करके इसको, और आपने इसको इस तरीके से छोड़ देना है। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। एक छोटा सा गोला लेना है और इसको इस तरीके से चपटा कर लेना है और छोटी छोटी इसकी टिक्कियां बना लेनी है। तो इस तरीके से हम सारी टिक्कियां डाल लेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों हम ये बना रहे हैं गोल में, गोल आकार में बना रहे हैं। इस तरीके से करके इसको ऐसे चपटा करके हम इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से पकौड़े बनाते हैं। और ये सारे हमने बना लिए हैं, ये देखिए। तो हमने सिलेंडर टाइप में बनाए थे, ये हमने पकौड़े बना लिए गोल, ये देखिए इस तरीके से। ये इनको हम निकाल लेंगे, इस तरीके से पक रहे हैं, सारों को पका लेते हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं। अब इनको हम निकाल रहे हैं, करछी को हम टेढ़ा कर लेंगे झरने को, और ये हम सारे पकौड़े इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इसमें और पकौड़े डाल लेते हैं। इस तरीके से करके थोड़ा हम इनको हाथों से दबा लेंगे और ऐसे चपटा करके हम इसको इसमें डाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े डाल लेते हैं। तो ये निकाल लेंगे हम, सारे बन गए, रेडी हो गए, तैयार हो गए, और इसको हम तिरछा कर लेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे। अब गैस को कर देंगे हम बंद। तो दोस्तों हमने रेडी कर लिए हैं ये, और देखिए हमने लंबाई में बनाया सिलेंडर टाइप में, और ये हमने गोल बनाया इस तरीके से। तो ये चावल के कटोरे बनाए हमने, और ये हरी चटनी बना रखी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और आप भी एक बारी ट्राई करना बना के देखना, और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, पता चलता है हम अच्छा बना रहे हैं या नहीं। आप लोग ही बता सकते हो, हमें तो अच्छा लगता है हम बनाते हैं तो, लेकिन दूसरा जज करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।